तो दोस्तों ये है ओरिएंट कंपनी का HC2004D रूम हीटर। हीट को एडजस्ट करने के साथ साथ इसको आप लोग 1000 और 2000 वाट में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्वालिटी है, क्या इसका परफॉर्मेंस है, इसमें कितना दिन वारंटी दिया गया है, आफ्टर वारंटी इसको आप लोग कैसे सर्विस कर सकते हो, और ये जो रूम है ये 120 स्क्वायर फीट का है, मेरा इस रूम को ये गर्म करने में कितना टाइम ले रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसा ही होम एंड किचन रिलेटेड ऐसे बहुत सारे आइटम का रिव्यू वीडियो में बनाता रहता हूं, और उसके साथ जो बेल आइकन आप उसे भी थोड़ा प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों ये है प्रोडक्ट की बॉक्स। बॉक्स के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा गया है, और सबसे जरूरी बात यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये ISI सर्टिफाइड है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है इसका MRP जो वो है 3990, जो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन में तकरीबन आप लोग 2500 से 2600 2700 के बीच इजीली बाय कर सकते हो। इस प्रोडक्ट की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ के रखा है मैंने, अगर आप लोग चाहो तो वहां से आप लोग प्राइस चेक कर सकते हो, और अगर चाहो तो वहां पे आप लोग बाय भी कर सकते हो। और दोस्तों इस प्रोडक्ट को छोड़ के मैंने एक दो रूम हीटर की और वीडियो बना के रखा है चैनल में, बजाज और ओरिएंट का भी, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे देखिए आई बटन पे आ रहा है, नहीं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप अगर चाहो तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों बॉक्स में ज्यादा कुछ नहीं, ये मेन यूनिट, और उसके साथ यहाँ पे एक वारंटी कार्ड दिया गया है। इस प्रोडक्ट में आप लोगों को 2 साल वारंटी दिया जाएगा, वारंटी के बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो ओवरऑल प्रोडक्ट का लुक कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये जो बॉडी है मेटेलिक बॉडी है, बोथ साइड में प्लास्टिक का ग्रिल दिया गया है, यहाँ पे 2 फैन दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, ताकि इससे जो है बाहर का हवा अंदर इंटेक हो सके। और सामने यहाँ पे ये जो ग्रिल है ये मेटेलिक ग्रिल है, और यहाँ से हॉट एयर सामने ब्लो होता रहता है। तो दोस्तों ऊपर में यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट के साथ, यहाँ पे ओरिएंट इलेक्ट्रिक का ब्रांडिंग, और यहाँ पे एक थर्मोस्टेट नॉब, और उसके साथ ये एक नॉब दिया गया है, इससे आप लोग 1000 या 2000 वाट में इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों नीचे यहाँ पे प्लास्टिक का स्टैंड दिया गया है, जिसको आप लोग चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सटेंड करके ऐसे रख भी सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप अंदर में कॉयल इसका जो है दिखाई दे रहा है, वही एक्चुअली हीट होता है, और हवा पीछे से धक्का मारता है, सामने से गर्म हवा ब्लो होकर बाहर निकलता है। और दोस्तों इस प्रोडक्ट में आप लोगों को 16 एम्पीयर का प्लग दिया जाएगा, जिसका कॉर्ड का लेंथ है ऑलमोस्ट 5 फीट। पीछे यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में सीरियल नंबर, और अंदर में जो मैकेनिज्म है सर्किट डायग्राम, यहाँ पे एक तो पिक्चर दिया गया है, और सबसे जरूरी बात पीछे यहाँ पे देखिए 3 होल किया गया है, ताकि ये जो प्लग है आप लोग इसको इसके अंदर ऐसे डाल के रख सकते हो। ऊपर में एक हैंडल दिया गया है पकड़ने के लिए, ताकि अगर चाहो तो आप इसको कैरी भी कर सकते हो एक रूम से दूसरे रूम तक। इस प्रोडक्ट की जो वजन है, मैंने इसका वजन किया था 2 किलो 800 या 900 शायद इसका वजन था। यहाँ पे देखिए पहले इसको ऑन करने के लिए ये जो प्लग है, प्लग को प्लग इन करना है, उसके बाद ये जो रेगुलेटर है इसको आपको पहले ऑप्शन में डालना है। दोस्तों ये अभी ऑन हो चुका है, ये अभी फैन मोड में चल रहा है, अभी यहाँ से ठंडी हवा निकल रहा है। आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए 4-5 फीट का गैप यहाँ पे है, ठीक है, इतना हवा का प्रेशर है। और इससे पहले जो जो रूम हीटर की मैंने रिव्यू किया था, उन सब रूम हीटर की जो नॉइज़ है थोड़ा ज़्यादा था, मुझे लग रहा है कि ये जो रूम हीटर इसका नॉइज़ थोड़ा कम है। मैं 1-2 सेकेंड चुप रहता हूँ। ठीक है, अभी देखिए अभी यहाँ से ठंडी हवा ब्लो हो रहा है। अभी फर्स्ट ऑप्शन में जब मैंने इसको डाला, ये अभी चल रहा है 1000 वाट पे, ये अभी 1000 वाट कंज्यूम कर रहा है, अभी भी यहाँ से ठंडी हवा निकल रहा है, क्योंकि मैंने ये जो थर्मोस्टेट का नॉब है इसको घुमाया नहीं। इसको आपको घुमा के एकदम मैक्सिमम में डाल देना है, मतलब इसको घुमा के आप लोग इसकी जो हीट है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। आप लोग ज्यादा हीट आपको जरूरत है एकदम मैक्स में कर दो, कम हीट का जरूरत है आप तो थोड़ा उससे कम रखो, ठीक है। यहाँ से गर्म हवा ब्लो होना स्टार्ट हो चुका है, 1000 वाट पे चल रहा है। और सेकेंड ऑप्शन में जो है 2 डॉट किया हुआ है, अभी ये 2000 वाट कंज्यूम कर रहा है, अभी 2000 वाट में चल रहा है, और एकदम गर्म हवा यहाँ से ब्लो होना स्टार्ट हो चुका है, मैं यहाँ से फील कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, ये जो टेक है ना, ये मैंने 3-4 बार लिया है, ठीक है, 3-4 बार टेक लेने के बाद टोटल में ये 7-8 मिनट चला है, उसके बाद ये जो रूम है मेरा गर्म हो चुका है। देखिए धीरे धीरे मेरा पसीना निकल रहा है,
क्योंकि ये फाइनल टेक नहीं था, इससे पहले भी मैंने 2-3 टेक लिया था इसका और तब भी चला आया। ऐसा करते करते ये जो रूम है ये गर्म ही हो चुका है। हाँ, और ये जो रूम है मेरा, इस रूम का साइज है 120 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में एक दो चीज मैं आप लोगों को सावधानी के लिए बता दूं। ये ऑन जब रहेगा तब आप लोग कोशिश करो कि इसको कैरी इधर उधर ना करो, ठीक है? कोई भी ऐसा चीज से इसको कवर अप ना करो, ढक के मत रखो, क्योंकि यहाँ से हवा को इनटेक और यहाँ से इसको ब्लो होने का रास्ता देना पड़ेगा। और उसके साथ ये जो ग्रिल है इसको आप लोग कभी भी टच मत करना, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और स्पेशली अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो बच्चा को इन सब से दूरी रखना और कोशिश करना कि अपने से 4-5 फीट दूरी रख के इसको आप लोग यूज करो। और दोस्तों, अभी आते हैं वारंटी के बारे में। इस प्रोडक्ट में आप लोगों को 2 साल की वारंटी दिया जाएगा। 2 साल के अंदर इस प्रोडक्ट में अगर कोई भी इशू आ रहा है आफ्टर परचेस, तो आप लोग अगर चाहो तो आप लोगों के एरिया में जो ओरियंट सर्विस सेंटर है वहां पे जाके इस प्रोडक्ट को रिपेयर कर सकते हो। और अगर चाहो तो नीचे देखिए स्क्रीन पे कस्टमर केयर नंबर आ रहा है, वहां पे भी कॉल आप कर सकते हो। कॉल करने के बाद आप लोगों को बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्रॉब्लम आया है, आपका घर का एड्रेस, एरिया, पिन कोड के साथ बताने के बाद हो सकता है कि 24 घंटों के अंदर आप लोगों को होम सर्विस मिल जाए, अगर टेक्नीशियन अवेलेबल रहा। अगर टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं रहेगा तो हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए। और कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद अगर कस्टमर केयर से ऐसा कोई रिप्लाई आया है कि छोटा प्रोडक्ट है, आप लोग इसको सर्विस सेंटर लेके जाओ, तो तब आप लोगों को अपने एरिया में जो सर्विस सेंटर है वहां पे आप लोग इसको ले जाके रिपेयर कर सकते हो। आफ्टर वारंटी आप लोग इसको सर्विस सेंटर में भी रिपेयर कर सकते हो, और कोई भी लोकल आप लोगों की टेक्नीशियन अगर जान पहचान में है वहां पे भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है। सर्विस सेंटर में अगर आप लोग करोगे तो वहां पे आप लोगों को सर्विस चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा, और उसके साथ जो पार्ट्स का खराब हो जाएगा उसके लिए भी आप लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो अपने घर या रूम के लिए। क्योंकि देखिए, ये जो मेरा रूम है 120 स्क्वायर फीट का है, अभी तक ये गर्म है। आपका अगर रूम बड़ा है तो आप लोग इसको 10-15 मिनट चला के ऑफ कर दो, रूम गर्म हो जाएगा इसको ऑफ कर दो, उसके बाद अगर रूम फिर से ठंडा हो जाए फिर से आप लोग इसको ऑन करके चला सकते हो। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ के रखा है, अगर आप लोग चाहो तो वहां से बाय कर सकते हो। और इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी अगर पॉइंट मुझसे छूट गया है तो मैं माफी चाहूंगा। आप लोग चाहो तो कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सही आंसर देने के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नया होम एंड किचन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।